हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल नंबर वन एस्पिरेंट। आज का टॉपिक एक्सेलेरोमीटर है, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा सबसे पहले यूपीएससी का, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टॉपिक को रीड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन 2023 का पूछा था एक्सेलेरोमीटर के ऊपर। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए एक्सेलेरोमीटर होता कैसा है। ये एक्सेलेरोमीटर मोबाइल के अंदर होता है और ये ज़्यादातर व्हीकल कारों में होता है। ये कार का एक्सेलेरोमीटर है, कुछ इस प्रकार का एक्सेलेरोमीटर दिखता है। तो सबसे पहले हम एक्सेलेरोमीटर को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक्सेलेरोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को, जो कि रिलेटिव टू फ्री फॉल। जब फ्री फॉल होता है, कोई चीज़ गिरता है या डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसको उसका पता एक्सेलेरोमीटर लगाता है, ठीक है, डायरेक्शन या फिर फ्री फॉल। आगे बात करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस। जो बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, मोशन या तो गति में हो या ओरिएंटेशन में हो, इन दोनों चीज़ में चेंजेस आते हैं उसका पता लगाने के लिए हम एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर का यूज़ कहाँ होता है। अब जैसे कि हम एयर बैग्स में इसका यूज करते हैं, जब एक्सीडेंट होता है इंस्टेंटली एयर बैग्स ओपन हो जाता है, ठीक है, जब कार कोलाइड होती है तो वहाँ पे एयर, उसमें एयर बैग में, वहाँ पे एयर बैग के नीचे वहाँ पे क्या लगा रहता है, एक्सेलेरोमीटर लगा रहता है, ठीक है, कार में, जिससे कि एयर बैग ओपन हो जाता है। आगे बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर जो होता है कार डिटेक्ट कोलाइजन को डिटेक्ट करता है, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। आगे बात करते हैं मैनी मॉडर्न लैपटॉप्स, जैसे एप्पल के जो महंगे ब्रांड के जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें भी एक्सेलेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हार्ड डिस्क, जो भी व्यक्ति एप्पल का लैपटॉप यूज करता है उसके हार्ड डिस्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, हो सकता है वो कंपनी का मालिक हो, तो उस डाटा को बचाने के लिए उसमें एक्सेलेरोमीटर यूज होता है, जिससे हार्ड डिस्क को सेफ रखा जा सके। जिस प्रकार से कार में इंसान को सेफ रखने के लिए एयर बैग लगाया जाता है, उसके नीचे एक्सेलेरोमीटर होता है, उसी प्रकार लैपटॉप के अंदर भी हम हार्ड डिस्क को बचाने के लिए, उसके लिए हम एक्सेलेरोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों। तो जिससे लैपटॉप जब फ्री फॉल, जब जमीन पर गिरता है, तो क्या होता है, हार्ड डिस्क जो होता है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हार्ड डिस्क में डैमेज ना हो। आगे बात करते हैं एक्सेलेरोमीटर क्या क्या और कहाँ यूज होता है। एक्सेलेरोमीटर जो होता है हम अपने स्मार्टफोन में भी यूज करते होता है। हमारे स्मार्टफोन का एक्सेलेरोमीटर अभी मैंने आपको दिखाया था, इसका क्या यूज होता है, जब हम अपने फ़ोन का डायरेक्शन यूज करते हैं, लैंडस्केप मोड टू पोर्ट्रेट मोड करते हैं, तो अपने आप मोबाइल का जो डिस्प्ले का डायरेक्शन होता है वो दोस्तों चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी हम एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन को, हम बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बताना है इनमें से कितने पॉइंट जो है सही बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। हमें बताना है कंसिडर हाउ मेनी अब द एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड, कितने में एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायर पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ कार कोलाइजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंटेंशनली। मतलब क्या, कार जब कोलाइड होता है और एयर बैग जब उसमें ओपन होता है तुरंत ही, तो उसमें क्या एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, अभी हमने पढ़ा दोस्तों कार कोलाइजन एयर बैग्स में एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट पे, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल। फ्री फॉल जब होता है लैपटॉप का या किसी ग्राउंड पे गिर जाता है, तो वहाँ पे जो हार्ड डिस्क को बंद करने के लिए, टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव, क्या वहाँ पे एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जो महंगे जो लैपटॉप होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसमें हमें एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन। मतलब जब टिल्ट करते हैं स्मार्टफोन का, जो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप करते हैं, क्या वहाँ पे हमें रोटेशन डिस्प्ले में, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, तो जो रोटेशन डिस्प्ले होता है क्या उसमें हमें एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, अभी हमने दोस्तों पढ़ा था कि एक्सेलेरोमीटर की ज़रूरत मोबाइल में भी पड़ती है। अब हमें बताना इसमें से कितने पॉइंट जो थे वो रिक्वायर करते, कितने सही थे, एक सही थे, दो सही थे या तीनों सही थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीनों सही थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते, ये यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।